नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको दो तीन फॉर्मेशन वो बताऊंगा जो कि बहुत रेयर होती हैं, पर लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि दूर से पता लग जाता है कि उनकी आदतें क्या हैं, किस चीज़ की आदतें। देखो, मान के चलो एक डॉक्टर है, एक साहित्यकार, एक कवि है, एक लेखक है, एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, एक पाम रीडर है, एक एस्ट्रोलॉजर है, पैसा कमा रहा है, पैसा है उसके पास, पर लेकिन शोहरत नहीं है। शोहरत कैसे आएगी? मुझे अवार्ड्स चाहिए, और अवार्ड्स के लिए रेखा है नहीं, लेकिन उसे अवार्ड्स लेना है। अब वो अवार्ड्स परचेस करेगा तो वो कैसे परचेस करेगा? वो कौन सी रेखा होती है जो कि ये सब कुछ करवाती है कि मुझको मेडल मिला नकली, मुझे डिग्री मिली नकली, मुझे इस नेशनल अवार्ड मिला नकली। नकली क्यों? पैसे देकर खरीदा। एक्स वाई जेड हीरोइन मशहूर है वो इन चीज़ों के, ठीक है ना, चोपड़ा चोपड़ा करके मशहूर है कि वो इन चीज़ों के लिए उसे ज़रूर दिया जाता है। क्यों? वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो कराती हैं कि नकली डिग्री पहले परचेस करनी है, ओहो, अब उसके बाद उसे लगाना है, और उसके बाद उसके साथ मेडल्स को लगाना। देखो, अब समुद्र शास्त्र है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहाँ गई और ये कहती है यस, ये क्या हुआ? हाँ, ये ले लेगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, और मुझे परचेस करना है मेडल, मैंने अपने यहाँ पर लगाना है, कमरे में, ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। एक पाम रीडर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं आपको मेडल दिया जाता है स्वार्थ, आपने काम अच्छे काम कर रहे हो, तीन तीन पाँच पाँच हज़ार रुपया लिया जाता है और मेडल दिए जा रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? पैसे लेकर आप अगर मेडल ले रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि आप पहले इतना पैसा दो, हम आपको मेडल देंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, आप कम्युनिटी टैब में लगा दीजिएगा कि यस, मुझे ये इनाम मिला है मेरे अच्छे काम के। अच्छा काम मुफ्त में किया जाता है, उसके लिए दिया जाता है, ना कि इतने चीज़ों के लिए। समझ रहे हैं? अब मेरे पास भी बहुत लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं कि सर आप 20,000 रुपया दे दीजिए, 15,000 रुपया दे दीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए और हम ऑर्गेनाइजेशन अपने एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें आपको सम्मानित करेंगे। वो मेरे से ही पैसे लेकर मुझे सम्मानित किया जा रहा है, तो वो कौन सा मेडल हो गया? वो मेडल नहीं हुए ना। अब ये फॉर्मेशन क्या होती है कि ये कैसे भी हो सकती है, ये यूं जाकर यूं भी हो सकती है, गुरु पर्वत पर जानी चाहिए, यहाँ जाकर यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये सीधी जाकर ये ऐसे मिल जाए, ऐसे ऐसे टर्न हो, तो आप समझ जाना यहाँ पर गड़बड़ है, इस व्यक्ति की सोच में गड़बड़ है, ठीक है। ये अच्छी समझ आई? एक फॉर्मेशन। अब समझते हैं उन लोगों के लिए जो तुक्के की पामिस्ट्री को बहुत बड़ा चढ़ा कर करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई क्रॉस आ जाता है तो ये शादी इनकी जो होती है वो टूटने का डर होता है, या कोर्ट कचहरी की जो होता है वो, अगर ये टच नहीं करेगा तो आदमी जीत जाएगा और टच कर दिया तो हार जाएगा। ये तुक्के के पामरेटर्स बोलेंगे। समुद्र शास्त्र में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, तो क्या मेंशन है? देखो, ये भाग्य रेखा है, ठीक है, कोई रेखा यहां आकर मर्ज हो जाए, कोई रेखा यहां आकर, मंगल से कोई रेखा आकर मर्ज हो जाती है, या इस मंगल से कोई रेखा आकर यहां मर्ज हो जाती है, ये
कटनी नहीं चाहिए, पहली बात, जैसे ये कटी हुई है ये कटनी नहीं चाहिए, ये यहाँ आके टच हो गई, समझ जाइए कोर्ट में आप जीतोगे। अब समझो कोर्ट में जीतने की रेखाएं या कोई भी एक ऐसी रेखा जो आपको बचाती है, जो आपको बचाती है, वज्र कवच का काम करती है मंगल रेखा, जिसे बहुत से पाम रीडर इसको प्रॉपर्टी की रेखा भी मान लेते हैं, सब कुछ जैसे ये रेखाएं, ये आपके बचाव के लिए आई है। प्रारब्ध 12 जन्मों का निचोड़ से प्रारब्ध बनती है, एक शरीर बनता है पिछले 12 जन्मों का निचोड़, यानी हमारी आदतें पिछली 12 जन्मों के हिसाब से होती है, इसलिए हम बदल नहीं सकते, वो हम विवेक शक्ति के साथ, अच्छी संगति के साथ उसको सुला सकते हैं। वो टाइम पीरियड पर वो आदतें, गंदी आदतें सो जाती हैं, जैसे एक ठंडे पानी में आप पत्थर को रख दो तो वो ठंडा रहेगा, सूरज की तपश उसे नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम अपनी आदतों को सोचे कि वो सुधर जाए, नहीं सुधर सकते, हम अपने आप को उस पानी की तपश में रख कर उसको सो सकते, उस आदत से हट सकते, जब वैसा माहौल आएगा हमारे अंदर वो चीज़ें जागृत हो जाए। तो ये क्या करती है, ये बचाती है हमें, कौन सी जो हमारे लाइफ में इस जन्म में, देखो प्रारब्ध को तो छेड़ा ही नहीं जा सकता, जो लिखा है भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस क्रियामान कर्म को बदला जा सकता है विवेक शक्ति के साथ। तो ये क्या करती है कि मैं तेरे बचाव के लिए आई और मैंने तेरी वेग को कम कर दिया, इंटेंसिटी को कम कर दिया है। अब यहाँ से राहु रेखा निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब मुद्दा क्या आता है यहाँ पर कि ये मंगल रेखा करती क्या, इसे वज्र कवच का नाम क्यों दिया गया है। मान के चलो ये एक रेखा है, मंगल रेखा है, ये एक आपकी ये एक रेखा है आपकी, देवी रेखा है आपकी, भाग्य रेखा, ठीक है। अब इस रेखा ने यहाँ से चली और इस वेवी रेखा पर जाकर टच हो गई, इसमें क्या कर टच हो गई, यहां पर शुरू हुई और यहां खत्म हुई। ये पता क्या करेगी, ये दिखेगी हमें यूं, ये क्या कर देगी, इसकी इंटेंसिटी को ऐसे कर देगी। ये क्या मतलब हुआ सर, ये कहती है कि मैं इतनी पावर रखती हूं कि तेरी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है ना उसको मैं सीधा कर सकती। ओह ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर मान के चलो यहाँ से ये निकली और किसी की लाइफ में ये यहाँ पहुँच गई, हम लोग इसे कहते हैं ना आपका जो पार्टनर होगा डोमिनेंट नेचर का होगा। अब क्या कर रहा है ये मंगल रेखा, क्या कर, मान के चलो कि ये रेखा यहाँ आई, ये चली सीधी, लो सीधा साधा, वो उसका नेचर, मेरी पत्नी वैसे बड़ी तेज आई थी पर लेकिन ना अब वो बिल्कुल गायें बन चुकी है, काव हो चुकी है, सीधी सादी। मेरा आदमी बहुत तेज था पर लेकिन अब तो मेरे इशारों पे नाचता है। इस मंगल रेखा का काम क्या था, जिस जगह पर तलाक के फॉर्मेशन पर चली गई तलाक को रोक के, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ से शुरू, जहाँ से ये हुई है वहीं से शुरू होनी चाहिए। ये शुरू हुई रेखा आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, आप मान के चलो ये एक रेखा है और किसी की यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम है और ये रेखा हल्की पड़ गई है या यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग है या डॉट पड़ा है। अब इस रेखा ने क्या करा, ये आके ऐसे ऐसे कर दी, बस केवल ऐसे। इसने क्या करा, वो टाइम पीरियड पर जो नुकसान होना था ना उसकी सेहत पर, वो सेहत इसकी खराब नहीं हुई, नहीं हुई, समझ आई। तो ये रेखाएं क्या क्या, जिस रेखा पर ये चली जाए, जिस रेखा को ये टच कर देगी, पर कंडीशन क्या है कि ये निकलनी यहीं से चाहिए, पीछे से नहीं निकलनी चाहिए। तो ये क्या, ये रेखाओं को आप मामूली रेखा में, मंगल रेखा पर एक वीडियो बनाऊंगा,
आपको बताऊंगा कि ये मंगल रेखा जिसके हाथ में होती है उसे कोई सांप काट के दिखा दे, बिच्छू काट के दिखा दे, काटे नहीं काट सकता उसे, ये मंगल रेखा जिसके हाथ में आ जाएगी नहीं काट सकता, उसका नुकसान नहीं हो सकता, इन जानवरों से, इन विषैले जानवरों से उसका नहीं नुकसान। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सांप काट जाता है, कुछ और काट जाता है, रीज़न क्या है? देखो राहु जो होता है, किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट जाए, रेप्टाइल्स जितने भी हैं वो काटते हैं कुत्ते, जिनकी पूंछ होती है, तो आप समझ लो आपका राहु खराब है, राहु खराब है तभी काट रहा है, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा है और किसी की लाइफ में ये इंसिडेंट्स होने थे और इस रेखा ने उस वाली जगह पर जाकर मास स्टॉप कर, होगा क्या? कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। ये रेखाएं कितने अच्छे रिजल्ट्स देती, क्या कोई बता पाएगा? केवल लोग जितने पाम रीडर्स हैं, इसको बस इंटेंसिटी लो कर देता है, ये रेखाएं बस इंटेंसिटी लो कर देता है, ये आपको पुश्तैनी जमीन दिलवा सकता है, ठीक है। नहीं, अपने बुजुर्ग अगर हैं तो आपकी लाइफ में आप अपने बुजुर्गों का चाहिता बनोगे, लेकिन वो भी तुक्के की पामिस्ट्री का एक हिस्सा है जो समुद्र शास्त्र में लिखा है। वो उसी रेखाओं के साथ अगर कुछ रेखाएं अगर जिस प्रॉपर जिस लाइन को टच करती है, अब एक गलत लाइन आ गई। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, एक वीडियो आएगा आपके सामने, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, एक फीमेल है, उनके हाथ में एक स्टार बना हुआ है और यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है और ये स्टार जो है ना इन सबसे यहाँ पर चल रहा है। मैं तो समझ गया था इनकी लाइफ में यहाँ पर बवंडर मचना है, ये कोई प्रॉपर्टी का साइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इन रेखाओं से जब कोई कनेक्शंस निकलता है मैं रेखाओं को पकड़ता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये चिन्ह अहमियत नहीं देते। चैनल वालों के लिए तो जिसके हर हाथ में वो बस मछली देखते हैं और वो तैरती हुई आती है और वो चली जाती है, इन्हें दिखाई देती है और किसी को नहीं, पर ऐसा नहीं होता। अब देखो ये एक केस के लिए मैंने बात बताई कि केस कैसे जीतता है, तो हम ये यहाँ पर केस के लिए कितनी अच्छी मेंटेलिटी है, ये है तो के लड़ाई झगड़े कोर्ट के चार, ये अगर ये है तो कोर्ट केस जीतो, यही कहते हैं, ये आप लोग सीखते हो, यही आप आगे बढ़ाते हो। अब मान के चलो कि अमीर था, उसने खरीद लिया मेडल, ठीक है, अमीर था और ये रेखाएं थी। अब मान के चलो कोई लड़का लड़की, ये कैसे पता लगे कि अमीर है, ये अमीर होंगे शक्ल से, कपड़ों से ना, रेखाओं से, ये लड़की अमीर है भाई, कैसे है ये लड़का अमीर है? तो वो तो मैंने आपको बहुत सी फॉर्मेशंस बताई थी, बहुत, ठीक है ना। अब उसी में से दो फॉर्मेशन और बता देता हूँ। देखो ये लाइफ लाइन है, माइंड लाइन है, आर्ट लाइन है, क्या करा, यहाँ से निकली, ये निकली, ये तो बहुत लोगों के हाथों में देखिए नहीं देखिए, पर वो जो निकलती है वो क्या करती है, ऐसे कर देती है। अब ये रेखा क्या कर रही है, यहाँ से निकलकर सीधी ऊपर तक जा रही है शनि पर्वत पर, ये शनि पर्वत पर ऐसे जा रही है। अब ये चली गई, अब इसमें क्या होता है, ये भी अमीर होगा। अब ये करेंगे क्या, जितना ये घुमाव लेके जाती है ना उतना ही, इसके फार्मूले वैसे बहुत हैं, मैंने आपको वीडियो में भी सिखाए हैं, लेकिन इसका फार्मूला ये होता है कि अगर ये यूं करके जितने कर्व के तरीके से निकल के जाएगी ना उतना ही व्यक्ति की उम्र जो होगी ना उससे छोटी उम्र का उसे पार्टनर मिलता है,
ठीक है, उसे छोटी उम्र का पार्टनर मिलता है। अब ये जितना मुड़ के जाएगी उतना ही वो चीज़ मिलेगी। अब मुद्दा क्या था, पैसा तो है, जब इतनी बड़ी रेखा है तो पैसा है। अब क्या होता है, किसी किसी हाथ में वो भाग्य रेखा को क्या करा, बस इतना सा मोड़ दिया और बाकी भाग्य रेखा एक यहाँ से टुकड़ा कटा, एक यहाँ से टुकड़ा कटा, एक यहाँ से टुकड़ा कटा है, और एक टुकड़ा है, तो आप इसे अमीर नहीं कह सकते। ये केवल दिखाई गई कि उसकी पार्टनर के लिए कि ये घूम के गई है, वो मुद्दा था। लेकिन अब बात आती है हमें ये देखना कि लड़के लड़की कोई अमीर है या नहीं है, ये समझ आ गई। अब मान के चलो ये रेखा यहाँ पर है, ठीक है, एक लड़का था या एक लड़की थी, उसकी एक ये भाग्य रेखा थी और एक भाग्य रेखा ने क्या करा, लो बस ये अमीर बन गए। क्या बात, ये रेखा यहाँ पर आकर इस ढंग से बनी कि ये अमीर बने, यही रेखा पर यूं त्रिभुज बन गया, ये अमीर हो गए। ये जिस घर में पैदा हुए वो अमीर घर है। अरे शादी, अरे वो लड़की थी, अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हाँ हाँ उससे शादी कर ले, अच्छा अच्छा मैंने हाथ में देख लिया है, बहुत अमीर है, अच्छा अच्छा हाँ लड़का है वो अमीर है, कर लो कर। तो दूर से पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ आए। ठीक, अब इसी के आगे सोने पे सुहागा हो जाता है, ये रेखाएं यहाँ पर टच करते हैं, ये यहाँ टच कर रहे हैं, तो आगे जाकर ये और बाहर भी जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, ठीक है, आगे समझ। तो मैं आपको वैसे तो बहुत बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, जैसे जैसे मेरे मन में चीज़ें आती हैं मैं वैसे वैसे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो मैंने कहा कि आपको कुछ एक रेखाएं ऐसे बताऊं जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती, बहुत कुछ कर सकती, ठीक है ना। तो तीन चार फॉर्मेशंस मैंने ये बता दी, टीचिंग पामिस्ट्री में सीखो समझो, ठीक है, और तुक्के के पाम रीडर से तो बहुत जागो व्यूअर्स, जागो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।